भारत नित्य नवीन कीर्तिमान बना रहा है तथा आए दिन विश्व स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाने का प्रयास भी कर रहा है। इसी क्रम में आज हम आपको विश्व के दूसरे सबसे बड़े सिटिंग स्टैचू की महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, जिसका लोकार्पण पीएम मोदी करने वाले हैं। नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं तथा धार्मिक स्थलों पर हो रहे विकास कार्यों की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको विश्व में दूसरी सबसे ऊंची श्री रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा की समस्त जानकारी, जैसे कि क्यों बनी है एक नहीं दो प्रतिमा तथा प्रतिमा निर्माण के काल चक्र की जानकारी, प्रतिमा की विशेषता, निर्माण का उद्देश्य, यही नहीं इतिहास व वर्तमान परिस्थिति के साथ और भी बहुत कुछ बताने वाले हैं। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो चीज अपने आकार अथवा अपनी विशेषताओं में सबसे विशिष्ट होती है, उसकी पहचान विश्व भर में सबसे अधिक होती है। इसी उद्देश्य के साथ विश्व में दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण भारत में हो चुका है, और वो भी दक्षिण भारत के हैदराबाद में। जी हाँ, स्वयं को मुस्लिमों के सर्वोच्च हितैषी नेता बताने वाले वर्तमान के असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ में हिंदुओं के एक बहुत बड़े मंदिर का निर्माण तथा सोने की प्रतिमा बन चुकी है, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को करने वाले हैं। आइए आपको इस मंदिर व प्रतिमा की संपूर्ण जानकारी देते हैं। बता दें कि इस परियोजना की आधारशिला वर्ष 2014 में रखी गई थी, उसी वर्ष जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने थे। हम आपको सबसे पहले उनकी जानकारी देते हैं जिनकी प्रतिमा बनाई गई है। वो हैं वैष्णव संत रामानुजाचार्य, जिनका जन्म वर्ष 1017 में तमिलनाडु के ब्राह्मण परिवार में श्री पेरम्बदूर नामक स्थान पर हुआ था। उन्होंने गुरु यमुनाचार्य से कांची में दीक्षा ली थी। श्री रंगम यतिराज नाम के सन्यासी से उन्होंने संन्यास ग्रहण किया था। इसके पश्चात उन्होंने भारत भर में भ्रमण कर वेदांत और वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया। इस समय अवधि में उन्होंने श्री भाष्यम और वेदांत संग्रह जैसे ग्रंथों की रचना की। वर्ष 1137 में श्री रंगम रामानुजाचार्य ने 120 वर्ष की आयु में अपना देह त्याग दिया था। रामानुजाचार्य ने लाखों लोगों को सामाजिक, सांस्कृतिक, लिंग, शैक्षिक और आर्थिक भेदभाव से मुक्त किया। इस मूलभूत विश्वास के साथ कि राष्ट्रीयता, लिंग, जाति या पंथ की चिंता किए बिना हर मनुष्य समान है, उन्होंने अत्यधिक भेदभाव के शिकार लोगों सहित सभी लोगों के लिए मंदिरों के द्वार खोल दिए। वह विश्व भर के समाज सुधारकों के लिए समानता के एक कालातीत प्रतीक बने हुए हैं। रामानुजाचार्य स्वामी ने ही सबसे पहले समानता का संदेश दिया था, और इसके लिए उन्होंने पूरे देश में भ्रमण भी किया था। इसी कारण से इस प्रतिमा का नाम समानता की प्रतिमा अर्थात स्टैचू ऑफ इक्वालिटी रखा गया है। आइए अब हम आपको इस प्रतिमा की संपूर्ण जानकारी देते हैं। बता दें कि प्रतिमा कैसी बनेगी, यह तय करने के लिए सबसे पहले 14 मिट्टी की मूर्ति बनाई गई थी। यह मूर्तियां चीफ आर्किटेक्ट आनंद साई और चीफ आर्किटेक्ट प्रसाद स्थपति की टीम के साथ मिलकर के तैयार की गईं। इन 14 में से 4 मूर्तियां चिन्ना जीआर स्वामी और उनके सलाहकारों को पसंद आईं, परंतु अलग अलग मूर्तियों के बेस्ट पार्ट से नई मूर्ति बनी। ये 4 मूर्तियां वो थी जिनमें से किसी की आंख, किसी का हाथ, किसी के पैर सुंदर थे। स्वामी जी ने इन 4 मूर्तियों के बेस्ट पार्ट से 5वीं नई मूर्ति तैयार करने का टास्क टीम को दिया था। तत्पश्चात जो नई मूर्ति बनी उस पर दिसंबर 2014 में सबकी एक राय बनी और सबको वह पसंद आई। अब इस मूर्ति को प्रतिमा में यथाउचित परिवर्तित करने का टास्क था, इसलिए बेंगलुरु में इसकी 3D स्कैनिंग कराई गई, अर्थात सॉफ्टवेयर के माध्यम से मूर्ति का एक मॉडल कंप्यूटर में सज्ज हुआ। शास्त्रों में शरीर के जो लक्षण बताए गए हैं उसी गणना के अनुसार सभी अंग बनाने आवश्यक थे। शास्त्रों की जानकार प्रसाद स्थपति ने अपने इनपुट्स दिए और आर्किटेक्ट के साथ स्केचिंग की। 3D स्केचिंग के पश्चात मॉडल फाइनल हुआ। तत्पश्चात रिसर्च आरंभ हुई कि इसे कहां बनवाया जाए। चूंकि चीन में बड़े स्टैचू बने हैं, इसलिए 3 मेंबर्स की एक टीम चीन गई। वहां पर जिस कंपनी में सरदार पटेल के स्टैचू बन रहा था उससे बात नहीं जम पाई। फिर चीन की ही एक एरोसेन कॉरपोरेशन के साथ प्रतिमा बनाने का एग्रीमेंट 14 अगस्त वर्ष 2015 में हुआ तथा वर्ष 2016 से कंपनी ने स्टैचू बनाना आरंभ किया था। थर्माकोल के माध्यम से विभिन्न भाग की आकृतियां बनाई गईं। हर 10 से 15 दिन में भारत से टीम इंस्पेक्शन करने के लिए चीन जाती थी।
कंधे तक तो कार्य तीव्रता से हुआ, परंतु चेहरे पर आकर के रुक गया, क्योंकि चेहरे और आंखों की बनावट ही सबसे आकर्षक बनाने का टास्क था। चीफ आर्किटेक्ट चेहरे और आंखों की तस्वीरें लेकर 3 बार चीन गए तथा 1800 बार करेक्शन किया गया और 3 महीने का समय करुणामय चेहरा बनाने में लगा। जानकारी के लिए बता दें कि इस प्रतिमा में आंखों की चौड़ाई है 6.5 फीट और ऊंचाई है 3 फीट। बता दें कि इस स्टैचू में 1600 अलग अलग पीस तैयार हुए हैं तथा विशेषता ये है कि इनमें कहीं भी बिल्डिंग का छाप नहीं दिखता। जैसे जैसे ये पीस तैयार होते जा रहे थे, वैसे वैसे इन्हें भारत लाया जा रहा था तथा मुचिंतल के श्री राम नगर में इन भागों की असेंबलिंग आरंभ हुई एवं इस पूरे कार्य को 18 महीने में चीन की कंपनी ने पूरा किया। जानकारी के लिए बता दें कि यह प्रतिमा 650 टन की है तथा 850 टन स्टील की इनकोर के सहारे खड़ी है। इस प्रतिमा में 82% कॉपर के अतिरिक्त जिंक, टिन, गोल्ड और सिल्वर लगा हुआ है। संत रामानुज ने वैष्णव संप्रदाय के 108 दिव्य देशम से प्रेरणा ली थी। भगवान विष्णु के वह 108 मंदिर जहां 12 आलवार अर्थात तमिल संतों ने तीर्थ किया था। जानकारी के लिए बता दें कि इन 108 में से 105 मंदिर भारत में ही हैं और 1 नेपाल में, शेष 2 अन्य किसी स्थान पर माने जाते हैं। हो सकता है कि वर्तमान के बांग्लादेश अथवा पाकिस्तान में हों। ऐसे में इन्हें भी रामानुज की प्रतिमा के निकट ही बनाने का निर्णय हुआ। इन्हें ठीक उसी प्रकार से बनाया गया जैसे कि ये मूल स्थान पर बने हुए हैं, केवल इनका स्वरूप छोटा है। दक्षिण में स्थित 5 मंदिरों की टीम ने विजिट की जबकि शेष 100 मंदिरों के 12,000 फोटो एकत्र किए गए। इनका विश्लेषण करने के पश्चात मंदिरों में स्थापित किए जाने वाले मूर्तियों की स्केच तैयार किए गए। हर एक मंदिर पर रिसर्च की और उससे जुड़ा डाटा एकत्र किया गया एवं इन मंदिरों को कृष्णशिला से बनवाया गया। इनमें वैसे ही कारीगरी की गई जैसे मूल मंदिरों में है। बता दें कि राजस्थान के बंशी पहाड़पुर से पिंक स्टोन, भैंसलाना से ब्लैक मार्बल, आंध्र और तमिलनाडु से ब्लैक स्टोन भी लाए गए। यही नहीं, एक विशेष प्रकार का ब्लैक मार्बल चीन से भी लाया गया तथा नक्काशी के लिए इन स्थानों के कारीगरों को साइट पर लाया गया, जिनमें कि माउंट आबू के कारीगरों ने पत्थरों की नक्काशी की, जयपुर के कारीगरों ने रेलिंग और दिव्य देशम पर नक्काशी की, तमिलनाडु के कारीगरों ने दिव्य देशम की मूर्तियां बनाई और आंध्र के कारीगरों ने दिव्य देशम के पत्थरों में नक्काशी की। बता दें कि वर्ष 2018 में मंदिर में लगने वाले पत्थरों की नक्काशी आरंभ हुई थी और अब सभी 108 मंदिर बन करके तैयार हो चुके हैं तथा सजावट आदि का कार्य संचालित है। जानकारी के लिए बता दें कि पूरा परिसर 200 एकड़ में विस्तारित है जबकि स्टैचू साइट 40 एकड़ में है। स्टैचू और दिव्य देशम के अतिरिक्त यहाँ 42 फीट ऊंचा म्यूजिकल फाउंटेन भी है। म्यूजिकल फाउंटेन भी चीन से आया है। इसके माध्यम से रामानुजाचार्य की लीलाओं को दिखाया जाएगा। यही नहीं, एंट्रेंस में हनुमान जी और गरुड़ की 18-18 फीट ऊंची मूर्ति है तथा संत रामानुजाचार्य के बड़े स्टैचू के नीचे ही उनकी एक छोटी मूर्ति भी स्थापित की गई है। ऐसा माना जाता है कि वे 120 वर्ष जिए थे, इसलिए इस गर्भगृह की मूर्ति में 120 किलो सोना लगा है। जानकारी के लिए बता दें कि विशाल प्रतिमा पर किए गए सुनहरे रंग की चीनी कंपनी ने 20 वर्ष की गारंटी दी है, परंतु चिन्ना जीआर स्वामी के अनुसार इस प्रतिमा का 2000 वर्षों तक कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। जैसा कि हमने बताया कि मूर्ति पंच धातु से निर्मित है, इसमें सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ते सम्मिलित हैं। अब आपको इस पूरे परियोजना की लागत की जानकारी के लिए बता दें कि पहले इस प्रोजेक्ट का खर्चा 400 करोड़ रुपए आंका गया था, परंतु बाद में यह बढ़कर के 800 करोड़ पर पहुंच गया तथा अभी तक 1400 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। यह पूरा पैसा देश विदेश से मिले दान से आया है। अब आपको इस प्रतिमा के ऊंचाई की विस्तृत जानकारी के लिए बता दें कि इस 108 फीट ऊंची प्रतिमा को 54 फीट भद्र वेदी और 27 फीट की पद्म पीठम पर स्थापित किया गया है, जबकि प्रतिमा में लगे त्रिदंडम की ऊंचाई 135 फीट है, अर्थात त्रिदंडम प्रतिमा से 27 फीट और ऊंचा है। इस प्रकार से प्रतिमा की कुल ऊंचाई 216 फीट होती है। इसके अतिरिक्त आचार्य रामानुजाचार्य की प्रतिमा में 54 कमल पंखुड़ियां, 36 हाथी, 18 शंख, 18 चक्र और प्रतिमा तक पहुंचने के लिए 108 सीढ़ियां बनाई गई हैं। अब हम आपको इसके लोकार्पण समारोह की जानकारी देते हैं। बता दें कि 1035 हवन कुंडों में लगभग 1.5 से 2 लाख गाय के घी से यहाँ पर हवन किया जाएगा। यह पूजन 2 से 14 फरवरी तक यहाँ पर होगा। देशी घी
देश भर के अलग अलग भागों से एकत्र किया गया है। दुनिया में जो सबसे ऊंचा, लंबा, बड़ा होता है उसकी चर्चा सर्वाधिक होती है। इसीलिए संत रामानुजाचार्य की इतनी ऊंची प्रतिमा बनाई गई है ताकि नई पीढ़ी उनके बारे में जाने। बता दें कि 216 फीट ऊंची मूर्ति बनाने का निर्णय वर्ष 2014 में हुआ था। प्रोजेक्ट पूरा होने में 8 वर्ष लगे। श्री रामानुजाचार्य का जन्म 1017 में हुआ था। उनकी जन्म शताब्दी के 1000 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसलिए इस आयोजन को रामानुज सहस्त्राब्दी समारोहम नाम दिया गया है। इस समयावधि में 5 फरवरी को प्रधानमंत्री द्वारा भव्य प्रतिमा का लोकार्पण किया जाएगा तथा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 13 फरवरी को रामानुज की प्रतिमा के भीतरी कक्ष का अनावरण करेंगे। आप यदि यहाँ पर आना चाहते हैं तो बता दें कि यह स्थान हैदराबाद से 40 किलोमीटर दूर है तथा हैदराबाद के राजीव गांधी हवाई अड्डे से लगभग 18 किलोमीटर एवं यहां पहुंचने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन है तिम्मापुर, जो कि लगभग 5.5 किलोमीटर दूर है। यह भी बता दें कि हैदराबाद से लगभग 40 किलोमीटर दूर मुचिंतल रोड के समीप यह स्थान है तथा प्रतिमा बनने के पश्चात अब इस स्थान को श्री रामनगर कहा जा रहा है। मित्रों, यदि आपको वीडियो में दी हुई स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की विशेष जानकारी पसंद आई हो तो ओम नमो नारायण कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें कृतज्ञ अवश्य करें। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।